इसके अलावा आगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2,19,00,000 रुपये से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। कॉलेज के लिए पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन का भी एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पदोन्नत से भरे जाते थे प्रोफेसर से, उसको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा, क्योंकि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं, सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली। ये नए जो शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, इसमें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर 70 से 75 की आवश्यकता पड़ती है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर 46, फिर प्रोफेसर 24, कुल मिला के 150 पद होते हैं। तो यदि हम इसको पदोन्नत से भरेंगे तो फिर हम जो एनएमसी की जो मान्यता है कि तत्काल इन पदों को भरना चाहिए, तो ये आवश्यक संशोधन इसे लाया जाए कि हमारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएं 5 वर्षों के लिए, और हम सीधी भर्ती से उन पदों को भी भर लेंगे जिन पदों को पदोन्नत के पदों से के माध्यम से भरा जाता है। तो ये स्वीकृति संशोधन नियमों में आज मंत्रिमंडल ने की है।